Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे. Dear students, आज किस न्यू वीडियो में हम आपको इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल लाहौर के एडमिशन की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनमें कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो डेयर स्टूडेंट्स, याद रहे कि इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल एक प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज जो कि लाहौर में वाक है. इसमें हर साल बी एस नर्सिंग के एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं. अब इसमें 23 बैच के एडमिशन ओपन है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जिसमें लिखा हुआ रजिस्टर्ड बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड दे एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. तो डेयर स्टूडेंट्स, ये पीएनसी रिकॉग्नाइज है और एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ है. इसमें बी एस नर्सिंग जेनेटिक 4 ईयर एंड पोस्ट आर एन बी एस नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है. तो यहाँ पे अगर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके बी एस नर्सिंग में मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड आपके एफ एस सी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होना लाजमी है. और एज लिमिट यहाँ पे 16 से 30 ईयर है और यहाँ पे जेंडर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही हैं, यानी इसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. जबकि इनका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, यानी वो गैर शादीशुदा हों तभी वो जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें मेल के लिए कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं. तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट आर एन बी एस नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इसके बाद आपका वैलिड पीएनसी रजिस्ट्रेशन कार्ड होना लाजमी है, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे स्कॉलरशिप अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है. तो यहाँ पे लिखा हुआ स्कॉलरशिप आर एस 10,000 पर मंथ ओनली फॉर बी एस नर्सिंग जेनेटिक स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बी एस नर्सिंग जेनेटिक स्टूडेंट्स को पर मंथ 10,000 रुपये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा. इसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा. पर्पज बिल्ट न्यू कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल अकोमोडेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, कॉलेज और हॉस्टल साथ साथ अवेलेबल है और इनका कॉलेज मेट्रो स्टॉप के साथ ही यहाँ पे लोकेटेड है. और इसका 500 बेड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल फैकल्टी फॉर द ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग. तो इनका अपना हॉस्पिटल भी यहाँ पे अवेलेबल है और कॉलेज के साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस और ट्रीटमेंट करवाया जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रॉस्पेक्टस आपने कैसे अब लेना है और कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और कैसे सबमिट करवाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉस्पेक्टस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 24 जनवरी 2024. तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस 24 जनवरी 2024 से मिलेगा और ये एडमिन ऑफिस इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आप वसूल कर सकते हैं. इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है और आपने प्रॉस्पेक्टस और यहाँ पे एडमिशन फॉर्म लेके उसको आप फिल करेंगे, उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करके उसको कॉलेज में सबमिट करवाएंगे. फर्दर एडमिशन शेड्यूल एंड एंट्री टेस्ट डिटेल्स इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्प्लेड ऑन द इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग नोटिस बोर्ड एंड द कॉलेज वेबसाइट. आप इनकी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड विजिट करते रहे, यहाँ पे आपको एडमिशन की शेड्यूल और एंट्री टेस्ट की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी. कॉपी ऑफ द सेम विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन एडमिशन. तो आपने एप्लीकेशन एडमिशन के टाइम इनकी कॉपी साथ लेके आनी है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं. तो अगर हम इनकी वेबसाइट विजिट करें तो इनकी वेबसाइट पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है. तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं itfaqcollegeofnursing.com. तो यहाँ पे इनकी लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल अकोमोडेशन, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है. यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम, बेसिक स्पेशलाइज, डिप्लोमा प्रोग्राम, ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज कोर्स और यहाँ पे इनकी ऑफिस की टाइमिंग भी लिखी हुई है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है, तो इसको हमने पहले भी रूट किया. तो यहाँ पे मैट्रिक विद साइंस आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है और एफ एस सी प्री मेडिकल में भी आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है. एज लिमिट 16 to 30 ईयर्स, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, मास्टर स्टेटस अनमेरिड और यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तान का होना लाजमी है. और यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड रिक्वायर्ड है जो कि आपने इत्तेफाक हॉस्पिटल से बनवाना है. यानी वही स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे फिर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम की बात करें जो कि पोस्ट आर एन डिग्री प्रोग्राम है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, डिप्लोमा इन मिडवाइफरी और आपका 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना लाजमी है. उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद ऑल एंट्रीज ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फीमेल जेंडर क्वालिटी कैंडिडेट्स ओनली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ओरिजिनल नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वे आर प्रेजेंटली वर्किंग. तो आपको एनओसी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आप मजीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम का है. तो यहाँ पे अगर हम इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कैंडिडेट अदर देन IHT यानी वो कैंडिडेट यहाँ पे स्कॉलरशिप पे है, उनकी टोटल डिग्री की फीस यहाँ पे 3 लाख रुपए है और यहाँ उनकी उनकी एडमिशन फीस 30,000 और मंथली फी उनकी 11,250 रुपए है. तो यहाँ पे इनके IHT कैंडिडेट्स की फीस भी लिखी हुई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनसी रजिस्ट्रेशन की फीस भी लिखी हुई है. यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 5,000 रुपए है, एग्जामिनेशन फी 4,500 रुपए, यहाँ पे लाइब्रेरी फी 4,000 रुपए ऑन टाइम एडमिशन जो आपने एक दफा पे करनी है. तो यहाँ पे रिक्रिएशन की
रिक्रिएशन फी यहाँ पे 100 रुपए जो कि मंथली आपसे वसूल की जाएगी। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आप मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनके मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे अनाउंस की कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे इनके मेरिट का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी लास्ट ईयर मेरिट में इनका नाम सिर्फ शो हुआ तो उनके मार्क्स शो नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे आप इनकी मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एफिलेशन है और यहाँ पे ये रजिस्टर है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हायर एजुकेशन कमीशन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ ये एफिलेटेड है और ये पाकिस्तान नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब के साथ ये रिकॉग्नाइज है। तो क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए इनके लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और यहाँ पे ये इत्तेफाक ट्रस्ट हॉस्पिटल इनके साथ अटैच है जहाँ आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे आपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सीएनआईसी या बेफ फॉर्म। तो यहाँ पे आपने सीएनआईसी ऑफ द कैंडिडेट फादर या गार्डियन, द थ्री अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिजल्ट कार्ड ऑफ द इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट इनका देना है आपने उसका रिजल्ट कार्ड यहाँ पे सबमिट करवाना है, फिल द फॉर्म एंड सबमिट टू द कॉलेज बिफोर द लास्ट डेट। आपने यहाँ पे ये कॉलेज में फॉर्म सबमिट करवाने हैं। तो इनकी वेबसाइट से आप तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।